हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक फैक्टर, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है स्टेरिक फैक्टर, इसका जो है हमारे पास में इसका इफेक्ट क्या होता है और ये किस तरह से जो हमारे पास में रिएक्शन होती है उसको अल्टर करता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, जो हमारे पास में रिएक्शंस होती है उनकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है के की, यानी कि रेट कांस्टेंट की। फॉर मेनी रिएक्शन इट हैज़ बीन फाउंड दैट, जो हमारे पास में के की वैल्यू है वो जो हमारे पास में प्रिडिक्टेड है बाय जो हमारे पास में कोलिजन थ्योरी है वो डिफर होती है फ्रॉम जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, या फिर जो है हमारी जो कोलिजन थ्योरी वो क्या कहती है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्योर स्फेरिकल है, ठीक है। जबकि ये जो स्फेरिकल इनका शेप होता है ये किस कंडीशन में हो सकता है, जो हमारे पास में आइडियल गैसेस होती है उसी कंडीशन में हो सकता है। अगर हमारे पास में गैसेस आइडियल नहीं है तो जो इसका जो शेप होगा वो प्योर जो हमारे पास में है स्फेरिकल नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि जो हमारे पास में प्रिडिक्टेड वैल्यू है ऑफ के की फॉर मैनी रिएक्शंस वर फाउंड टू बी डिफरेंट different from the values obtained experimentally. ठीक है, तो जो हमारे पास में predicted value थी के की for many reaction were found to be different from the values obtained experimentally. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास में collision theory थी उन्होंने क्या predict किया कि जो हमारे पास में जितने भी molecules हैं वो क्या होते हैं, pure spherical होते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रिएक्शंस होती है सिंपल रिएक्शन के लिए तो जो हमारे पास में कोलिजन थ्योरी है वो अप्लाई हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है जो हमारे पास में वैल्यू होती है के की वो मोर डेविएट होती है। सो इधर हम एक और लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में हायर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिएक्शन हाइयर वाज द डेविएशन, मीन्स कि जितनी ज़्यादा हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी उतनी ही हमारे पास में जो डेविएशन है, जो के की वैल्यू है, जो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे डेविएशन जो है इंक्रीज होता जाएगा। अब जो हमारे पास में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे पास में कोलिजन थ्योरी है दैट इज बिकॉज द कोलिजन थ्योरी सपोज्ड डेट द पार्टिकल पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन CLES, ठीक है, पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीटली स्फेरिकल, ठीक है। तो ऐसी जो हमारे पास में डेविएशन क्यों आए, क्योंकि जो हमारे पास में कोलिजन थ्योरी है वो क्या प्रिडिक्ट करती है कि जो हमारे पास में पार्टिकल हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि इफ़ वी कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ CO2 as shown below, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे जो CO2 है उसके फॉर्मेशन से कि ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के जो फैक्टर है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। तो हमारे पास में CO2 जो है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, या फिर जब ऑक्सीजन जो है कोलाइड करती है विद कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास में, CO2 जो है हमारे पास में फॉर्म होती है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में क्या है, कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। कार्बन एटम को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, C OOH, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसका मॉलिक्यूल कोलाइड करता है विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से
तो हमारे पास में जो कोलिजन होती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से कोल्यूड कर रहा है, तो इस कोलिजन से हमारे पास में क्या होगा, कोई भी जो है रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास में रिएक्शन स्पोर्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, तो इसका जो है मोलिक्यूल का कार्बन मोनोऑक्साइड वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन फैक्टर। अगर अब हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह से होता, ये हमारे पास में क्या ऑक्सीजन और ये हमारे पास में कार्बन का जो एटम है, अब ये कोल्यूड करता है, ये आपस में कोल्यूड करें, अब ये कोल्यूड करता है किससे, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में, तो हमारे पास में क्या फॉर्म हो जाता, ठीक है, तो हमारे पास में बन जाती CO2, ठीक है, ये हमारे पास में O है, ये C है, ये O है, और एक जो हमारे पास में O है वो एज इट इज सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होता तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता, CO2 बनता। तो इस तरह से जो ओरिएंटेशन फैक्टर है या फिर जो हमारा स्टीरिक फैक्टर है वो रिएक्शन को जो है कंप्लीट होने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगी, जो हमारे पास में फर्स्ट वाला जो केस था उसमें हमने यही चीज़ देखी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में स्टेरिक फैक्टर है, इसको हम जो कोलिजन थ्योरी में इंक्लूड करके हमारे पास जो कोलिजन थ्योरी है वो इंप्रूव्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। तो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी क्या होती है उसे हम समझते हैं अब। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास में ओरिएंटेशन फैक्टर है उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस क्राइटेरिया ऑफ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज टेकन इनटू अकाउंट बाय मल्टीप्लाइंग पी फैक्टर इन द रेट इक्वेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पी फैक्टर है जिसे हम क्या कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर कह सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास में रेट इक्वेशन थी कोलिजन थ्योरी की उसके अंदर हमें उसकी जो इक्वेशन आई थी उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में रेट इक्वेशन क्या आई थी कोलिजन थ्योरी की, वो आई थी हमारे पास में जेड मल्टीप्लाई बाई ई की पावर ई ए अपॉन में आर टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगा पी जेड ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं कि जो हमारे पास में पी होता है, यहाँ पे जो हमने पी लिया है वो क्या होता है, पी इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स एंड इज जनरली लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एक से कम होती है, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको मल्टीप्लाई किया था इसके साथ में जो हमारे पास में रेट इक्वेशन थी कोलिजन थ्योरी की, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आती है इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। नाउ जो हमारे पास में थ्योरी आई, नाउ द थ्योरी आफ्टर मल्टीप्लाइंग पी इज नोन एज मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे पास में स्टेरिक फैक्टर है या फिर जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटली। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में रेट कॉन्स्टेंट जो हमने कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटल, एंड जो हमारे पास में रेट कॉन्स्टेंट है जो कि है कैलकुलेटेड बाय कोलिजन थ्योरी। तो इसका जो रेशो होता है वही हमारे पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि स्टेरिक फैक्टर। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड रेट कॉन्स्टेंट
कैलकुलेटेड बाय कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तुम्हारे पास में ये जो स्टेरिक फैक्टर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ वेट कांस्टेंट कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली अपॉन में द रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं एंड द रेट कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय कोलिजन थ्योरी। तो ये हमारे पास में क्या होता है, स्टेरिक यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है तो आप क्या करोगे कि ये हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो लिख दोगे, और उसके बाद में आप लिख दोगे ये जो रेट कांस्टेंट है इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, और मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी क्या होती है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट के सेक्शन में बताइए कि हम जो वीडियो है उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।